अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बहुत आसान सी रेसिपी और बहुत क्विक बन जाती है ये मैं आप लोगों को दूंगी, ब्लैक फॉरेस्ट डिलाइट। आप लोग इसे बनाइएगा, इसे ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। तो चलें फिर देर नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए जेली बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने ली हुई है चेरी फ्लेवर की जेली। आप लोग अगर चाहें तो रास्पबेरी की भी ले सकते हैं, ठीक है। एक पैकेट मुझे ये चाहिए। ये मेरे पास एक कप गर्म पानी है और इसमें ये एक पैकेट जेली मैं डालूंगी और मैं इसे पकाऊंगी नहीं, बस मैं यहीं पे इसको मिक्स करूंगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। जेली मेरी ये हो गई है। अब मैं इसको क्या करूंगी, 5 मिनट के लिए साइड पे रख दूंगी ताकि थोड़ी ये ठंडी हो जाए, सेट हो जाए। ये जो है ना, ये 2 कप रास्पबेरी है और इसको बस पता है क्या करूंगी, मैंने फ्रोजन ली है, आप लोग चाहें तो फ्रेश ले लें। मैं इसको अच्छी तरीके से मैश कर लूंगी क्योंकि मुझे, मैंने जो जेली बनाई है ना वो इसमें मिक्स करनी है, तो इसलिए इसको मैं मैश कर रही हूँ। और अगर आप लोग चाहें, थोड़ा आप लोगों को चंकी सी पसंद हो तो आप थोड़ा मोटे मोटे भी छोड़ सकते हैं, ठीक। अब जो मैंने जेली बना के रखी हुई थी वो मैं इस रास्पबेरी के, इस जो मैंने पेस्ट सा बना लिया है इसमें डाल दूंगी, ठीक है, जिसको मैश किया था रास्पबेरी को मैंने। ये देखिए, जब मैंने रास्पबेरी में जेली डाली थी तो वो काफी लिक्विडी था, तो मुझे क्या करना था कि रास्पबेरी और जेली दोनों को कंबाइन करना था, इसलिए मैंने उस तरह लिक्विड फॉर्म में उसे डाला और फिर इसे फ्रीजर में 10 मिनट्स के लिए रख दिया ताकि ये इस तरह से देखें गाढ़ी गाढ़ी हो जाए और जेली भी इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब हम इसका क्रीम चीज़ फिलिंग बना रहे हैं और इसके लिए मैंने लिया है क्रीम चीज़ जो है ना, ये मेरे पास है 125 ग्राम्स, ठीक है। अब मैं इसमें ये मास्कोपोनी चीज़ डालूंगी, ये है 175 ग्राम्स, मैंने इसमें डाल दी है दोनों चीज़। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए चलाऊंगी ताकि ये चीज़ जो है ना दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाए। और ये इसमें डल रहा है कंडेंस मिल्क, स्वीट कंडेंस मिल्क, ये 400 ग्राम्स है, एक जो पूरा कैन होता है ना वो इसमें डल जाएगा। ये विप हो चुका है। अब आखिर में इसमें मैं क्रीम डालूंगी, फुल क्रीम कोई भी आप ले लें, ये है 600 ml, ठीक है, ये पूरी इसमें चली जाएगी। और अब मैं ये क्रीम डाल के इसे 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करूंगी। अब जो है हम लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले जो मैंने ये बनाया हुआ था रास्पबेरी और जेली का, सबसे पहले मैं नीचे ये लगाऊंगी। मेरे पास ये चॉकलेट मफिन्स हैं, ये 4 मैंने लिए हैं और मैं देखें इसको क्या करूंगी। आपके पास चॉकलेट केक हो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं देखें इसको इस तरह से चूरा कर करके बस इसके ऊपर एक फैला दूंगी, इसकी लेयर्स ही बना दूंगी, ठीक है। अब जो क्रीम का मिक्सर मैंने बनाया था वो मैं इस पर डाल दूंगी। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। देखें ये मैं इस तरह से कर रही हूं। मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी, ठीक है। ये देखें हमारा मज़ेदार सा ब्लैक फॉरेस्ट डिलाइट तैयार हो गया है।
कि खाने में भी बहुत मज़े का होता है और देखने में तो आप देखें मज़े का लग ही रहा है। तो आप लोग इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और प्लीज़ आप लोग कुछ भी ट्राई किया करें तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग मुझे ये भेजते हैं मैसेजेस कि उन्होंने मेरी रेसिपीज ट्राई की हैं, उन्हें बहुत पसंद आती हैं। आप लोग भी ट्राई करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।